वेल well, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या चीज़ होती है सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाईपोल इट्स आर्टिकल नंबर वन पॉइंट वन वन ऑफ एन सी आर टी सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक का रिलेशन सीधा चार्ज से है डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स किनारे तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके दो किनारे आपको नज़र आएंगे चार्ज की एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आपके दो किनारे नज़र आएंगे उसको हम इलेक्ट्रिक डाईपोल बोलेंगे राइट right? सो so, सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो डाइपोल क्या है एक जोड़ा है इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का जो जिनका जो डिस्टेंस है बीच का टू ए है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो एक जोड़ा बनाया हमने नेगेटिव चार्ज लिया और पॉजिटिव चार्ज लिया और ये जो दोनों चार्जेस हैं इनको एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जो है वो टू ए डिस्टेंस से अलग कर दिया तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसमें सीखने वाली बात यह है कि जो ये लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस गिव द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इन द स्पेस इट विल प्रोवाइड यू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल डायरेक्शन ऑफ द टू द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइन द डायरेक्शन इन द स्पेस नाउ द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल ये देखिए आप हमारे पास है ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज बोथ आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ टू ए टू ए डिस्टेंस ये दोनों अलग हैं इसमें जो डाईपोल की डायरेक्शन होगी दिस इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज राइट एंड द दिस पॉइंट ओ विच इज देंटर ऑफ द डाईपोल दिस इज टर्म्ड एज द सेंटर ऑफ द डाईपोल मिड पॉइंट जो होगा दिस इज टर्मड एज द सेंटर ऑफ द डाईपोल आप देखते हैं कि ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सो डाईपोल की जो अरेंजमेंट है उसका जो टोटल चार्ज कितना आएगा यहाँ से यदि हम निकालें तो टोटल चार्ज कितना आएगा दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो द टोटल चार्ज ऑफ द डाईपोल इज इक्वल टू जीरो पर मजेदार बात इसमें एक ये है हम निकालते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वन बाई फोर पाइप सेन ज़ीरोड बाई आर स्क्वेयर होता है अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज आपके पास नेगेटिव है और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शायद इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा पर इसके इसके साथ ऐसा नहीं है इसको हम विस्तार से आगे चर्चा इसकी करने वाले हैं द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक इज जीरो एंड एज माइनस क्यू एंड पॉज प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाई समिस्टेंस सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैम जब इसको हम ऐड करते हैं दोनों चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है ओके okay? सो so, जो ये इलेक्ट्रिक डाईपोल है इस अरेंजमेंट से एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा होती है जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी आपके साथ दिस इज कॉल्ड डाईपोल मूवमेंट तो इसको एन सी आर टी की बुक ने अलग से नहीं डिस्कस किया है हम इस कॉन्सेप्ट को आगे इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैं इसको सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीच्यूड ऑफ द ईदर चार्ज दोनों में से किसी एक चार्ज को आप लेंगे और उसको आप जितना वो एक दूसरे से दूर हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे समझने वाली बात ये है कि जैसे डाइपोल मूवमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होगी उसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीच्यूड दोनों चार्जेस में से किसी एक का आपने मैग्नीटूड ले लेना है सो मैं ये कह सकता हूँ कि डाइपोल मूवमेंट को मैं पी वेक्टर से लिखूंगा तो दोनों में से कोई एक चार्जेस ले लिया मैंने क्यू क्योंकि दोनों क्यू ही है एक पॉजिटिव एक माइनस है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो टू एल या टू ए जो चाहें आप ले सकते हैं यदि टू एल यदि इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस रखते हैं यहाँ मैंने एक्सप्रेशन में टू एल लिख रखा है सो so हम इसको ऐसे लिख देंगे P इज इक्वल टू दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस राइट right? सो so जो डाइपोल मूवमेंट में जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होगी डायरेक्शन ऑफ पी इज़ फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज राइट तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जैसे आप जानते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है एंड एस आई यूनिट्स ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्या होंगे कूलम मीटर होंगे आप देखिए जरा डाइपोल मोमेंट को आप लिखते हैं पी टू क्यू एल सो जो चार्ज इज इन कूलम एंड लेंथ इज इन मीटर सो इसके एस आई यूनिट्स क्या हो जाएंगे कूलम मीटर हो जाएंगे एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज तो इसका डायमेंशनल फार्मूला यदि हमने करना हो तो ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू टू क्यू इन टू एल तो इसमें जो आ, आ, चार्ज के जो डाइमेंशंस होंगे वो ए टी होंगे और जो लेंथ के जो डाइमेंशंस होंगे वो एल होंगे और मास इसमें एबसेंट है तो हम लिख देंगे एम ज़ीरो एंड देन एल टी ए इस तरीके से इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा जा सकता है विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज द वीडियो अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थैंक यू